आज हमारा चैप्टर है, मैंने यहाँ पर टॉपिक लिखा है लीनियर इक्वेशन। हमारा चैप्टर 6 है। ओके, 5 तक हमने ऑलरेडी चैप्टर आपको करा दिए थे ऐसे वन टेस्ट से पहले। आज हम अपना चैप्टर 6 ओपन करो, आप अपनी एनसीईआर बुक्स एमएल अग्रवाल की ओपन करो, और चैप्टर नेम है आपका लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है, और 7th क्लास तक आपको लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल पढ़ना है या 2 वेरिएबल पढ़ना है, राइट? तो हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ेंगे। ओके, अब आपको पता होना चाहिए कि 1 वेरिएबल होता क्या है, ठीक है? सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीजें इस चैप्टर के बारे में पता होनी चाहिए, उसके बाद हम 1 by 1 क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। क्योंकि 6th क्लास में आप लीनियर इक्वेशन को जब सॉल्व करते थे तो ट्रायल एंड एरर मेथड लगाते थे, लेकिन अभी आप सॉल्व करने के क्या मेथड है इसको प्रैक्टिकल वे में, वो आपको मेथड बताऊंगी। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा 2x + 4 = 9। अब आप कहेंगे कि ये जो यहाँ पर मैंने इक्वल का साइन डाला है, ये वाली साइड जो है ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है, और जब मैं इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड करूंगी, That is the solution or root of the equation. Okay? ये साइड इक्वेट कर दी है राइट हैंड साइड से। इक्वेट करने के, उन दोनों को इक्वल करने के क्या मेथड है, क्या रूल है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के, आज मैं आपको वो बताऊंगी। और लीनियर मतलब क्या होता है, यहाँ पर डिग्री जो है वेरिएबल की वो क्या है, 1, राइट? लीनियर इक्वेशन है ये, वेरिएबल एक्स यूज हुआ है, वेरिएबल 2 भी यूज हो सकते हैं, लेकिन हमने 1 वेरिएबल पढ़ना है। जैसे अगर मैं यहाँ पर ये लिख दू, यहाँ पर मैंने अगर ये लिख दिया 2x + 3y = 6 लिख दिया, तो यहाँ पर कितने वेरिएबल यूज हुए हैं, 2, एक एक्स यूज हुआ है, एक वाई यूज हुआ है। लेकिन हमें इस तरह के क्वेश्चन अभी आपके स्टैंडर्ड में नहीं है, आपको सिर्फ 1 वेरिएबल के ही क्वेश्चन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी वेरिएबल यूज हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि एक्स ही यूज होगा, यहाँ पर आप वाई भी लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आप ए भी लिख सकते हो, कोई भी वेरिएबल, ठीक है, एक वेरिएबल यूज होगा। तो ये हमारा होता है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है, और ये हमारी साइड लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पर पहले इक्वेशन में व्हेन पेज नंबर 126 पर, आपकी बुक का पेज नंबर 126 पर डेफिनेशन दे रखी है, एन इक्वेशन कंटेनिंग ओनली 1 वेरिएबल विद हाईएस्ट पावर 1 इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन। ओके, आप कोई भी चीज जब बैलेंस करते हो, आप मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, तो शॉपकीपर आपको बैलेंस करने के लिए, दोनों साइड बैलेंस करने के लिए, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 चीजें रखी हुई है, तो इसको इक्वल करने के लिए यहाँ पर भी वो सेम वेट का और सेम चीज की 2 ही चीजें रखेगा, तभी वो बैलेंस हो पाएंगी ना। और अगर मैंने एक एक चीज उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दी, तो दोनों साइड को फिर से बैलेंस करने के लिए, 1-1 को बैलेंस करने के लिए मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। तो इसके कुछ रूल्स हैं। नाउ पेज नंबर 127 आपकी बुक पेज नंबर पे कुछ रूल गिवन है, रूल 4 गिवन है, मैं आपको पढ़ के बताऊंगी और आपको लिखकर भी बताती हूँ कि कौन कौन से रूल। तो हमारा फर्स्ट रूल है, देन इक्वल आर एडिड टू इक्वल, द सम आर इक्वल, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट रूल कौन सा है, मैं इसको प्रैक्टिकल वे में भी बताऊंगी कि हम इसको प्रैक्टिकल वे में कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह से क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट रूल है, व्हेन इक्वल आर एडिड टू इक्वल,
वैल्यू टू इक्वल द सम आर इक्वल, इसका मतलब क्या है बच्चों को ये पता होना चाहिए। तो क्या मतलब है आपको मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पर x प्लस 3 इक्वल टू 5, ठीक है, और अगर मुझे इसको इक्वल करना है तो मैं इसे क्या कैसे इक्वल करूंगी। तो अगर मैंने यहाँ पर भी 5 लाना है, ये कांस्टेंट नंबर जो है इसको मुझे 5 लाना है, तो ऐड 2 ऑन बोथ साइड, तो मुझे दोनों साइड क्या ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा, x प्लस 3 प्लस 2 और 5 में भी 2 प्लस कर दिया, तो ये आ गया यहाँ पर x प्लस 5 और इधर हमारा यहाँ पर हमारा क्या आ गया, यहाँ पर हमारा क्या आ गया 7। When equal the value to the equal, the whole are, the sum are equal. इसकी में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और जब हमें रूट रूल निकालने होंगे, रूट निकालने होंगे, तब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो इसका मेथड क्या है आपको वो उसका मेथड भी मैं आपको बताती हूँ। देखो तब आपका मेथड होगा ट्रांसपोजिशन। ये जो हमारा 3 है, अगर मैं इसे ट्रांसपोज कर दूं लेफ्ट राइट हैंड साइड पर, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है, तो ये 3 को जब मैं इधर ट्रांसपोज करूंगी, कोई भी चीज जब आप लेफ्ट से राइट में लेकर जाएंगे या राइट से लेफ्ट में लेकर आएंगे, तो साइन आर चेंज, जो प्लस का होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस का होगा वो प्लस हो जाएगा। तो इसको अगर मुझे रूट निकालना पड़ता है इसका, तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कैसे करूंगी, 3 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे 5 माइनस 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा। ये मैंने आपको सोल्यूशन बताया है, और ये रूल क्या है, ये रूल फर्स्ट जो उस तरह से है, when equal are added to the equal, the sum are equal, तब भी हम निकाल सकते हैं। अब सेकंड रूल है, when equal are subtracted from equal, the remainders are equal, ठीक है, सेकंड रूल ये है। और उसके बाद हमारा थर्ड रूल है, if two sides of an equation may be multiplied by the same zero number, then it is called the, यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा x upon 5 equal to 7, तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, सेम नंबर से, अगर मुझे ये 5 बताना है तो मुझे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 34, ठीक है। ये है when equal are multiplied by the both side, और ऐसे फोर्थ रूल है, when the two sides of the equation may be divided by the same zero number, तो अगर इसको मुझे सॉल्व करना है तो मैं कैसे करूंगी, ये मुझे 3 अगर हटाना है तो ये मुझे कैसे हटेगा, डिवाइड करने से हटेगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया और यहाँ 3 4 12, तब x की वैल्यू क्या आएगी 4। इन क्वेश्चंस को जो इजी मेथड है वो इस तरह से तो कर ही सकते हैं फोर रूल से, लेकिन इसका जो दूसरा मेथड मैंने ट्रांसपोजिशन ऑफ द रूल बताया है वो ज्यादा इजी है, तो हम सारे क्वेश्चन उसी मेथड से। देखो सब स्टूडेंट्स, जो इसका सेकंड रूल है हम उसको लेके चलेंगे, ठीक है। तो मैं एक दो क्वेश्चन लेती हूँ, सॉल्व इक्वेशंस। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है x प्लस 3 इक्वल टू 7। अब आपको जब प्रैक्टिकली क्वेश्चन आते हैं तब आपको जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट कई बार स्टूडेंट को समझ नहीं आता, तो इसीलिए इसको इस मेथड से समझो। अब अगर मुझे ये 3 रिमूव करना है तो या तो एक मेथड इसका ये है कि सबट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड, एक मेथड मैं दोनों मेथड बता देती हूँ, सबट्रैक्ट 3 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड, तो इधर से भी 3 सबट्रैक्ट कर दो और यहां से भी 3 सबट्रैक्ट कर दो, तो ये 3 से प्लस 3, प्लस 3 से माइनस 3 कैंसिल हो गया, यहाँ आपका आ गया x, और 7 में से 3 चल
चला गया, ये आपका आ गया 4। तो x इक्वल टू 4 जो है वो इस इक्वेशन का, तो यहाँ पर इसको रूट भी कह सकते हो या सोल्यूशन भी कह सकते हो, ठीक है। और एक इसका सेकंड मेथड है, मैं आपको दोनों मेथड बता देती हूँ, आपको दोनों में से जो मेथड समझ आए आप उस क्वेश्चन को उस तरह से सॉल्व कर लेना। देखो इसी क्वेश्चन को आप इस तरह से भी कर सकते हो, ट्रांसपोजिशन, ये पेज नंबर यहाँ पर 129 पर रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन भी दे रखी है। तो रूल क्या है, अगर मुझे प्लस 3 को राइट हैंड साइड में लेकर जाना है तो ये क्या हो जाएगा आपका -3। साइन आर चेंज, अगर प्लस होगा तो माइनस, अगर माइनस होगा तो प्लस, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तब भी आंसर आपका सेम आएगा, ये आंसर भी आपका क्या आएगा सेम। यहाँ तक आपको समझ आया, देखो मैं रिपीट कर देती हूँ। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रूल है जो मैं 4 रूल आपको बोल रहे थे, उस तरह से सॉल्व करना है। और ये सेकंड मेथड जो है वो इजी है और शॉर्टकट वे से हो जाता है, इसीलिए इसको दोनों मेथड करेक्ट है, आपको कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हो। यहाँ पर प्लस 3 दे रखा था लेफ्ट हैंड साइड में, अगर मुझे प्लस 3 हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड माइनस करना पड़ेगा 3। तो यहाँ पर भी -3 कर दिया, यहाँ से भी -3 कर दिया, +3 से -3 कैंसिल हो गया, तो ये आपका कैंसिल होने के बाद x वैल्यू बची और 7 में से 3 चला गया, आपका क्या बचा 4। और या फिर ये मेथड है, इसे ट्रांसपोजिशन मेथड, क्या बोलते हैं इसे, ट्रांसपोजिशन मेथड। तो प्लस 3 को जब इधर ट्रांसपोज करेंगे, प्लस को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस। अब हम इस तरह से क्वेश्चन लेते हैं और आपको वन बाय वन समझ, देखो अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाए x माइनस 2 इक्वल टू 9, आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, माइनस 2 को जब राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करोगे, ये इक्वल के इधर इस वाली साइड राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, माइनस 2 को जब ट्रांसपोज करोगे तो यहाँ पर माइनस 2 ट्रांसपोज होके क्या हो जाएगा प्लस 2, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 11। एक तो इसका ये मेथड तो है ही, और एक मेथड आपको मैंने क्या बताया था, मुझे माइनस 2 को हटाना है तो मैं कैसे हटा सकती हूँ, एड टू ऑन बोथ साइड, एड टू ऑन बोथ साइड, तो x माइनस 2 प्लस 2 और इधर भी प्लस 2 कर दोगे, प्लस 2 से माइनस 2 कट गया, यहाँ आपका एक्स बचा और यहाँ आपका क्या हो गया 11। समझ आया आपको, ये मेथड जो है ये आपके रूल के अकॉर्डिंग है और ये ट्रांसपोजिशन मेथड के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो ट्रांसपोज माइनस 2 ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है, इसको आप लिख भी सकते हो, या डायरेक्ट इसको माइनस 2 को इधर ट्रांसपोज किया तो क्या आ गया आपका प्लस 2। समझ आया आपको। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे मैंने यहां पर लिखा x अपॉन 3 इक्वल टू 7, तो दोनों रूल से बताती हूँ, ठीक है। अब अगर मुझे ये 3 हटाना है स्टूडेंट, अगर मुझे ये 3 हटाना है तो कैसे हटेगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3। एक तो ये मेथड है आपका, मैं हर क्वेश्चन को आपको दोनों मेथड से बता रही हूँ, आपको जो इजी लगेगा आप वही मेथड अडॉप्ट करना। ये है आपका एक्स अपॉन 3, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो और राइट हैंड साइड में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आपका एक्स आ गया, ये आपका क्या आ गया 21। अगर इसी क्वेश्चन को आपको दूसरे मेथड से करना है तब कैसे करोगे, तब आप कैसे करोगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, कैसे लिखोगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई,
क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, आपको एक्स को मल्टीप्लाई करना है वन से और इसे मल्टीप्लाई करना है थ्री से, तो एक्स को वन से मल्टीप्लाई किया एक्स और सेवन को थ्री से मल्टीप्लाई किया 21। आंसर आपका दोनों दोनों इमेज में दोनों ही क्वेश्चन में आपका आंसर सेम आएगा, चाहे आप मेथड से कर लो चाहे आप इस मेथड से। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिवीजन का लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4x = 20। ठीक है, दोनों मेथड से बता रही हूँ आपको मैं। ये 4x का मतलब क्या है पहले तो पता होना चाहिए, 4x का मतलब क्या है, 4x का मतलब है 4 × x। तो ये 4 आपका कैसे हट सकता है, इसको मुझे अगर इस 4 को हटाना है तो मैं कैसे हटाऊंगी, डिवाइड बोथ साइड बाय 4। इससे हट जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका 4x है, इसको भी 4 से डिवाइड कर दो और राइट हैंड साइड में 20 है, इसको भी 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो x आ गया और 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो एक मेथड तो इसका ये है, ठीक है, जो रूल 4 बताए थे उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन सॉल्व कर दी, और दूसरा मेथड किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपका क्या है, डायरेक्ट मेथड जो है उससे कैसे सॉल्व करोगे। ये 4 इधर मल्टीप्लाई में, मैंने आपको बताया ना 4x का मतलब क्या होता है 4 × x, तो ट्रांसपोज 4 ऑन राइट हैंड साइड। जब कोई भी चीज लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में होगी तो राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाएगी, और अगर यहाँ कोई डिवाइड में होगा तो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया। तो ये अगर 4 इधर जाएगा तो डायरेक्ट इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 4 को 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, आंसर हमारा क्या आएगा 5। पर यहाँ पे वर्ड लिखना पड़ेगा आपको, ट्रांसपोज 4 ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में था तो इधर आके ही क्या आ गया आपका डिवाइड आ गया। आपको ये रूल सारे समझ आ गए हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, 2π − 3 = 2, अब आप सॉल्व कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, देखो यहाँ वेरिएबल है, इन दोनों में वेरिएबल यूज नहीं है, यहाँ पर भी ये कांस्टेंट नंबर है, ये भी आपका क्या है कांस्टेंट नंबर, तो पहले जो कांस्टेंट नंबर है इनको हम सॉल्व करेंगे। तो माइनस थ्री को इधर ट्रांसपोज दो, यहाँ पर लिखो ट्रांसपोज माइनस थ्री ऑन राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में जब ये माइनस थ्री जाएगा तो ये इधर आके क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो 2π = 2 + 3 क्या होता है 5। अब देखो 2 को मुझे राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है, ये 2π का मतलब है 2 × 1, तो अगर मुझे इसे राइट हैंड साइड में लाना है तो इधर आके ये क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों में से कोई भी मेथड जो आपको जिस समय इजी लगे वो अप्लाई कर देना। तो डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड, 2 से 2 कैंसिल हो गया, वाई की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5/2। तो ये जो वैल्यू आती है दैट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इसको इक्वेट करने के लिए ये जो इक्वेशन आती है यहाँ पर जो वैल्यू आई है ये इस इक्वेशन का क्या होता है सोल्यूशन होता है। अभी मैं आपको चेक द सोल्यूशन बेटा, एक बार उस चैप्टर को कंप्लीट करना है, ठीक है बेटा,
ये भी यहाँ पर बच्चे। हेलो नोटबुक्स बनानी है बेटा, ठीक है तांची? जो भी काम होगा सारा आपने नई नोटबुक्स में करना है बेटा, ठीक है? ये 999-99-996 और जो काव्यांश अपना माइक ऑफ करने से पहले, काव्यांश अपना माइक ऑफ रखो, मार क्या ये, ओए ओए स्टूडेंट डोंट मेक ए नॉइस, अपना माइक ऑफ रखो, म्यूट करके रखो, देन यू कैन लिसन टू मी केयरफुली। मेरे मम्मी ने ओपन कर रखे। आपको क्वेश्चन बता रही हूँ मैं, हाँ जी, 4-5y = 2 -5y = 2 अब अगर मुझे यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, then how we will find the value of y? हम y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें कैसे फाइंड करना पड़ेगा? रजनी मैम, कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर वेरिएबल की वीडियो ऑफ है आपकी तरफ से, मेरी तरफ से। हेलो सर, हाउ आई कैन स्टार्ट द वीडियो? यस नाउ इट ओके, यस यस नाउ इट्स ओके। स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन है, -5y = 2 लेफ्ट हैंड साइड में हमारी रकम है 4-5y और राइट हैंड साइड में है 2, तो हम इसमें y का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेरिएबल की वैल्यू? तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो 4 यहाँ प्लस में है इसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर लिखो ट्रांसपोज 4 ऑन राइट हैंड साइड। तो मैंने आपको रूल बताया था कि प्लस 4 को राइट हैंड साइड में साइन अगर प्लस का हो तो माइनस हो जाता है, और माइनस का हो तो प्लस, माइनस का हो तो प्लस, और प्लस का हो तो माइनस, साइन ऑफ चेंज। तो ये 4 जब इधर जाएगा तो ये 4 इधर आगे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हमारा आ गया -5y = -2, 4 में से 2 चला गया 2 और साइन आपका माइनस का। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 5y है और राइट हैंड साइड में 2 है। अब मुझे ये 5 मूव करना है, तो 5 को हम कैसे हटाएंगे, यहाँ पर लिखो डिवाइड बोथ साइड बाय 5, तो 5y / 5 = 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, y = 2/5। एक बार मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ ये क्वेश्चन, यहाँ पर प्लस 4 था, जब प्लस 4 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -4। अब 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आया, और साइन कौन सा लगेगा इंटीजर के साथ, माइनस। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5y = 2। अब मुझे ये 5 रिमूव करना है, यहाँ पर ये 5 मल्टीप्लाई में, तो मैंने आपको रूल बताया था कि डिवाइड बोथ साइड बाय 5, तो हम वेरिएबल की वैल्यू तभी फाइंड कर सकेंगे ना, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो वेरिएबल y की वैल्यू क्या आ गई, 2/5। तो 2/5 जो है वो क्या है, इस इक्वेशन का क्या है सॉल्यूशन। और क्वेश्चन करते हैं हम, अगर हमारा क्वेश्चन इस तरह से आ गया, नाउ सी इन दिस क्वेश्चन, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, सेकेंड का फर्स्ट पार्ट,
अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट से पहले फाइव है और ब्रैकेट से पहले कोई साइन नहीं है, इट मींस यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई है, तो डिवाइड बोथ साइड बाय फाइव। तो अगर मुझे ये फाइव हटाना है तो मैं इसको कैसे रिमूव करूंगी, डिवाइड करके, तो ये आ जाएगा आपका दोनों साइड आपको फाइव से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, फाइव से फाइव कैंसिल हो गया, एक्स प्लस वन इक्वल टू फाइव फाइव जा 25। अब हमारी सिंपल इक्वेशन बन गई है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। अब अगर वन मुझे हटाना है तो यहाँ पर लिखो सब्ट्रैक्ट वन ऑन बोथ साइड, ठीक है, फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से वन हटा दो, तो x प्लस वन माइनस वन बोथ साइड, तो फाइव से फाइव कैंसिल हो गया, x प्लस वन इक्वल टू फाइव फाइव जा 25। अब अगर ये वन मुझे रिमूव करना है तो मैं कैसे हटाऊंगी, सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से वन क्या कर दिया हमने, सब्ट्रैक्ट कर दिया, वन से वन कैंसिल हो गया, फाइव में से वन चला गया, ये हमारा जो फोर आया है वो इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड का सेकंड ही ले लेते हैं, ये है आपका टू ब्रैकेट में थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू टेन, जैसे अभी क्वेश्चन कराया था सेम वैसे ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। देखो ये टू अगर हमें हटाना है यहाँ से तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर लिखो डिवाइड टू ऑन बोथ साइड, ठीक है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड, दोनों इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन भी और राइट हैंड साइड वाला भी, दोनों साइड से मुझे लाना पड़ेगा, उसे तो टू से कैंसिल हो गया, यहाँ हमारा आ गया थ्री एक्स माइनस वन, और टेन को टू से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, फाइव। अब ये माइनस वन है, या तो इसे ट्रांसपोज कर दो, माइनस लिख के लाइन ट्रांसपोजिंग माइनस वन ऑन राइट हैंड साइड, या फिर क्या करेंगे, अगर मुझे माइनस वन को हटाना है तो लिखेंगे एड वन ऑन बोथ साइड, तभी वन है, तभी वन हटेगा ना आपका, तो ये माइनस वन को अगर ट्रांसपोज कर सकती हूँ, दोनों में से कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकती हूँ, माइनस वन को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, प्लस वन, तो थ्री एक्स इक्वल टू सिक्स। अब ये यहाँ पर 3x का मतलब 3 मल्टीप्लाई x, तो कैसे हटेगा, डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ भी 3 से डिवाइड कर देती हूँ यहाँ भी, तो 3x को भी 3 से डिवाइड करना 2, तो ये आपका क्या आ गया, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके, यहाँ पर ये आपको समझ आ गया, या तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो ये वाला पोर्शन, या फिर यहाँ से मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ, 3x माइनस 1 इक्वल टू 5, माइनस 1 को यहाँ ट्रांसपोज करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, प्लस 1, माइनस 1 इधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका, प्लस वन, ये ट्रांसपोज वाला मेथड बताया है, और दूसरा मेथड ये था एड वन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड वन ऐड कर दो, तो 3x माइनस 1 प्लस 1 और 5 में भी 1 प्लस कर, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब ये मेथड, अब ये क्वेश्चन इसी तरह बन गया और आगे सेम मेथड, ठीक है, यहाँ पर आप फॉर्म भी लिख सकते हो या ओम भी लिख सकते हो, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा क्वेश्चन, हमने किस तरह से सॉल्व किए हैं, ये हमारा क्वेश्चन।
ठीक है, डिवाइड टू बोथ साइड। अब देखो अब हमारा क्वेश्चन है, यस मैम, ओके, तो 2 = 5, 2 + 3 क्या आ गया आपका 5। अब अगर मुझे ये 2 रिमूव करना है तो मैं कैसे करूंगी, मैंने अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, तो इसको मैं करूंगी डिवाइड 2 बोथ साइड, ठीक है, फ्रॉम भी लिख सकते हो, ठीक है, 2 फ्रॉम बोथ साइड, तो 2 से दोनों साइड डिवाइड कर, क्योंकि ये 2 मुझे हटाना है ना, मुझे यहाँ पर क्या करना है, y की y वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो y सॉल्यूशन क्या आ गया आपका 5/2। समझ समझ आ रहा है मैम? एक और क्वेश्चन है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से भी लाइन लिख सकते हो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, या मैंने शॉर्ट में लिखा था, आप उस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। सांची कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो बेटे? सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड का फर्स्ट, यस मैम, ओके ओके,